दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है चेक कॉन्टैक्टर विद मल्टीमीटर, मतलब कि हम कॉन्टैक्टर को मल्टीमीटर की सहायता से किस तरीके से चेक करेंगे। दोस्तों क्या होता है, इलेक्ट्रिकल के अंदर हम कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल कई जगह करते हैं, जैसे कहीं पे मोटर को चलाने के लिए, इसके अलावा कहीं पे लाइटों को चलाने के लिए, इसके अलावा हमारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हम कई जगह पर कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, कई बार हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर कुछ फॉल्ट आता है, उस समय हम कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि हमारा कॉन्टैक्टर खराब है या सही है, हम इसको किस तरीके से चेक करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे कि आखिर इस कॉन्टैक्टर को आप एक मल्टीमीटर की सहायता से कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, एक मल्टीमीटर को लेना है और इस मल्टीमीटर के अंदर आपको चेक करना है कि इसमें बजर का साइन का है। आप कोई सा भी मल्टीमीटर लेंगे उसके अंदर आपको इस टाइप का एक साउंड का साइन मिल जाएगा, या फिर अगर आपको ये नहीं मिलता तो आपको यहाँ पे डायोड का साइन बना हुआ दिखता है। तो इन दोनों में से कोई सा भी एक साइन दिखता है आपको मल्टीमीटर को क्या करना है, इसी के ऊपर ले जाना है। तो मैं क्या करूँगा, ये मल्टीमीटर को ये डायोड के साइन पे ये ले जाके रख दिया। अब दोस्तों मल्टीमीटर को तो सेट करने का हमारा काम कंप्लीट हो गया। सबसे पहले आपको कभी भी कॉन्टैक्टर को चेक करना है तो मल्टीमीटर को एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि क्या होता है कई बार हमारे यहाँ से लीड लूज हो जाती है, कई बार हमारे यहाँ से वायर में प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे हमने मल्टीमीटर को सेट किया उसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों लीड को टच करके देखेंगे और हमको मल्टीमीटर में से साउंड आनी चाहिए। तो मैंने जैसे इसको टच किया और मल्टीमीटर के अंदर साउंड आ रही है, मतलब मेरा मल्टीमीटर बिल्कुल ओके है। अब मेरे को कॉन्टैक्टर को चेक करना है इस मल्टीमीटर की सहायता से। अब दोस्तों जब भी हम कॉन्टैक्टर को चेक करते हैं तो हमारे पास कॉन्टैक्टर के अंदर दो पॉइंट आ जाते हैं। हम क्या क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा जो कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर की कॉइल तो खराब नहीं है। कॉइल का मतलब ये आपको दिख रही है, यहाँ से यहाँ पे आपको ये कॉइल दिख रही होगी, ये जो कॉइल होती है ये कॉइल ही हमारे इस कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ करती है। हम जैसे हम इसके अंदर सप्लाई देते तो क्या होता है, हमारे कॉन्टैक्टर इस तरीके से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों कॉन्टैक्टर की चेकिंग के समय एक तो हम कॉइल को चेक करते हैं, इसके साथ में हम दूसरा क्या चेक करते हैं, वो करते हैं हम कॉन्टैक्टर के टर्मिनल को चेक। तो अब हम एक एक करके इन दोनों को चेक करना सीख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम कॉन्टैक्टर की कॉइल को चेक करेंगे कि हमारे जो कॉन्टैक्टर है उसकी कॉइल सही है या नहीं है। कॉन्टैक्टर की कॉइल अगर सही नहीं होगी तो आपका कॉन्टैक्टर स्टार्ट ही नहीं करेगा। कॉन्टैक्टर स्टार्ट का मतलब जैसे हम इसके अंदर सप्लाई देंगे तो एक कॉन्टैक्टर इस तरीके से स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर आपका कॉन्टैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हमारे पास दो समस्या आ सकती है। सबसे पहली कि हमारा जो कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर के अंदर सप्लाई बराबर नहीं आ रही। सप्लाई बराबर का मतलब जैसा कि हमारा एक कॉन्टैक्टर होता है, इस कॉन्टैक्टर को स्टार्ट करने के लिए मतलब चलने के लिए इसको 220 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, ठीक है। पर इसके अंदर अगर पूरे 220 वोल्टेज नहीं आ रहे, अगर इसमें 100 वोल्टेज ही आ रहे हैं या 120 वोल्टेज ही आ रहे हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं आ रहे, तो हमारा कॉन्टैक्टर स्टार्ट नहीं होगा। इसके अलावा दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि हमारा जो कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर की कॉइल खराब हो गई है। इसके अलावा भी और कई कारण होते हैं, पर जो मुख्य कारण होते हैं वो मुख्य कारण यही होते हैं, नंबर वन की सप्लाई नहीं आ रही होगी और नंबर टू हमारा जो कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर की कॉइल खराब हुई होगी। तो हम कॉन्टैक्टर को चेक करने में सबसे पहले हम इसकी कॉइल को चेक करेंगे। अब दोस्तों अगर आपके पास इसी प्रकार का कॉन्टैक्टर है या फिर बिल्कुल अलग कॉन्टैक्टर है इससे, तो भी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हर कॉन्टैक्टर के अंदर जो कॉइल चेक होती है वो बिल्कुल एक ही तरीके से होती है। कॉन्टैक्टर के अंदर आपको एक टर्मिनल देखना है, वो होता है A1 और A2। ये A1 A2 ये दो टर्मिनल है, नंबर वन A1 और नंबर टू दूसरा टर्मिनल। जिस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये है L1, ये है L2, इसका नाम L1 है, इसका नाम L2 है। तो इसी तरीके से हमारे कॉन्टैक्टर में आपको दो टर्मिनल मिलेंगे, एक A1 और एक A2। ये जो A1 A2 होते हैं ये हमारे जो कॉइल है ना, इस कॉइल से निकले हुए वायर होते हैं। तो दोस्तों हमारा जो कॉन्टैक्टर है, अगर इस कॉन्टैक्टर के अंदर मैं A1 A2 देखूं तो इसके अंदर यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे A1 और यहाँ पे लिखा हुआ है A2। तो हमको यहाँ पे मिल गया। अब हम इन दोनों पॉइंट को ही चेक करेंगे। किसी किसी कॉन्टैक्टर के अंदर A1 A2 आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको हमेशा नाम तो A1 A2 ही मिलेगा पर वो जगह दूसरी हो सकती है। तो कई बार क्या होता है, हमारा A1 A2 जैसे ये L3 खत्म हो रहा है तो इसी के बाद में यहाँ पे हमारा A1 आ जाता है और यहाँ पे हमारा A2 आ जाता है। तो कई कई कॉन्टैक्टर में इस तरीके से भी होता है। तो दोस्तों अब आपको A1 A2 ढूंढने के बाद में आपको मल्टीमीटर को ले आना है और मल्टीमीटर को सबसे पहले वापस चेक करना है। मल्टीमीटर हमारा बीप साउंड कर रहा है, मतलब हमारा मल्टीमीटर सही है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, एक लीड को A1 पे लगाएंगे और दूसरी को A2 पे लगाएंगे। कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा कि हमारी लीड ये वाली इधर लगाएं, ये वाली इधर लगाएं, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है, कोई से भी आप किधर भी लगा सकते हैं। तो जैसे मैं इन दोनों को टच कराता हूं तो हमारी जो रीडिंग है इस रीडिंग में बदलाव हो जाना चाहिए। तो हमारी जो रीडिंग है वो रीडिंग में बदलाव हो गया। अभी मैं नॉर्मल रख रहा हूं तो हमारी रीडिंग 1 आ रही है, मतलब कि ये दोनों लीड जो है ये दोनों लीड बिल्कुल दूर दूर है। अभी जैसे मैं इन दोनों को इस पर टच कराऊंगा तो मतलब इसमें बदलाव आ जाना चाहिए और ये बदलाव आना बहुत जरूरी है। तो अब इसमें क्या आ रहा है, इसमें हमारी रीडिंग जो है चेंज हो रही है और रीडिंग चेंज होकर एक जगह फिक्स हो जाएगी। तो अभी आप देखेंगे तो ये रीडिंग हमारी बिल्कुल एक जगह 370 या 371 पे फिक्स हो गई। तो दोस्तों अभी मेरे मल्टीमीटर के अंदर जो रीडिंग आई वो आई 370। तो इसी तरीके से आपको भी क्या करना है, A1 A2 के अंदर मल्टीमीटर को लगा के चेक करना है उसके अंदर क्या रीडिंग आती है। उसके अंदर जो हमारी रीडिंग है वो रीडिंग बिल्कुल फिक्स आनी चाहिए, मतलब आपने स्टार्टिंग में लगाया तब तो वो थोड़ी चेंज होगी पर बाद में जाकर फिक्स हो जानी चाहिए। जैसे हमारे इसमें 370 371 पे फिक्स हो गई थी। अगर कॉन्ट्रैक्टर को चेक करते समय अगर रीडिंग इस तरीके से आ रही है, कभी 300 आ रही है, कभी 1000 आ जा रही है, कभी फिर बाद में 500 आ जा रही है, इस तरीके से अगर बार बार चेंज हो रही है, मतलब कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल है ये कॉइल खराब हो सकती है। इसके अलावा कभी हमने मल्टीमीटर की लीड को एक को A1 पे और एक को A2 पे लगाया, फिर भी हमारे मल्टीमीटर के अंदर कोई भी वैल्यू बदलाव नहीं होता। जैसे हमारा 1 आ रहा था तो वो 1 का 1 ही कंटिन्यू फिक्स है। इससे भी हमको यह पता चलता है कि हमारी जो कॉइल है कॉन्ट्रैक्टर की, ये कॉइल खराब है।
तो दोस्तों अब हमने कॉन्टैक्टर की कॉइल को तो चेक करना सीख लिया। अब इसके बाद में हमको दूसरी चीज चेक करनी है, वो है हमारे कॉन्टैक्टर के टर्मिनल। ये कॉन्टैक्टर के टर्मिनल का मतलब क्या है, ये हमारे जितने भी आपको पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये 1, 2, 3 यहाँ पे दिख रहा है, नीचे 3 दिख रहे हैं, तो ये सब हमारे कॉन्टैक्टर के टर्मिनल है जिसके अंदर हम कनेक्शन करते हैं। तो अब इसको किस तरीके से चेक करेंगे ये हम जान लेते हैं। तो दोस्तों हमारे जो कॉन्टैक्टर के टर्मिनल होते हैं ये दो भागों में बटे होते हैं, एक होते हैं हमारे पावर के टर्मिनल और दूसरे होते हैं हमारे कंट्रोल के टर्मिनल। ये दोनों क्या है इनको मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कि हमारे जो पावर के टर्मिनल होते हैं इसके अंदर हम हमारे उपकरण को लोड देते हैं। जैसे हमारी कोई मोटर है तो हम सभी को पता है मोटर को चलाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके अंदर RYB 3 फेज की सप्लाई देंगे। तो हम जो वो RYB दे रहे हैं वो तो हम पावर के टर्मिनल से देंगे। ये जो पावर के टर्मिनल होते हैं ये ज़्यादा एम्पियर को झेलने की क्षमता रखते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे कंट्रोल के टर्मिनल। ये कंट्रोल के टर्मिनल का क्या उपयोग है, तो ये होता है हमारे जैसे मोटर स्टार्ट हो गई तो हम चाहते हैं मोटर स्टार्ट होने पे हमको एक LED स्टार्ट हो जाए, तो हमको उस LED से पता चल जाएगा कि हमारी मोटर स्टार्ट हो गई या नहीं हो गई। मतलब कि यही है कि अगर हमको कोई छोटा मोटा कंट्रोल करना है तो हम कंट्रोल के टर्मिनल को उपयोग में लेंगे। जैसे कि आपको ये दिख रहा है ये जो हमारा टर्मिनल है ये कॉन्टैक्टर में अलग से लग जाता है, पर ये जो है टर्मिनल ये हमारा कंट्रोल का टर्मिनल है और ये जो टर्मिनल है ये हमारे पावर के टर्मिनल है। इसी की मदद से हम मोटर को सप्लाई देते हैं। तो अभी हम पावर के टर्मिनल को चेक करना सीख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले चेक करना है कि पावर के टर्मिनल है कौन से। अगर आप बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे हो, आपको पावर के टर्मिनल पता ही नहीं चल रहे, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको कहीं पे भी L1, L2, L3 या फिर T1, T2 और T3 इस तरीके से देखने को मिल रहा है तो वह हमारे पावर के ही टर्मिनल होते हैं। जैसे कि आपको इस कॉन्टैक्टर में दिख रहा है L1, L2 और L3, तो ये तीनों और यहाँ पे T1, T2, T3 ये जो सारे टर्मिनल है ये हमारे पावर के टर्मिनल है। इसी के साथ में दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे जो पावर के टर्मिनल होते हैं वो हमारे जब तक हमारा कॉन्टैक्टर बंद है तब तक वो आपस में ओपन होंगे। मतलब कि ये जो दोनों टर्मिनल है, एक ये और एक ये दोनों टर्मिनल आपस में दूर दूर होगा, मतलब ओपन होगा। पर जैसे हमारा ये कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो जाएगा, जैसे हम इसको सप्लाई देंगे तो क्या होगा, हमारा कॉन्टैक्टर इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ये कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो जाता है तो हमारे जो दोनों टर्मिनल, ये दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो जानी चाहिए, मतलब कि हमारी एक तरफ से सप्लाई दूसरी तरफ ले जानी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस पावर के टर्मिनल को चेक करना सीखेंगे मल्टीमीटर की सहायता से। तो दोस्तों इसके लिए हमने वापस से मल्टीमीटर को ले लिया है। मल्टीमीटर को आपको वापस से उसी पे ही सेट करना है, हमारा जो बजर का साइन है इस बजर के साइन पे, और आपको वापस से मल्टीमीटर को चेक करना है कि हमारा मल्टीमीटर काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो मैंने जैसे इन दोनों को टच किया और हमारा मल्टीमीटर आवाज कर रहा है, मतलब मल्टीमीटर काम कर रहा है। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, हमारे जो पावर के टर्मिनल है जैसे ये L1 है और ये है हमारा T1, तो इन दोनों पे हमारे ही मल्टीमीटर की जो दोनों लीड है इन दोनों को टच करूंगा और फिर बाद में हमारे मल्टीमीटर को चेक करूंगा। तो मल्टीमीटर में से हमारा कोई भी साउंड नहीं आना चाहिए। तो अभी मैंने इन दोनों को टच भी कर दिया और हमारे मल्टीमीटर से कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, मतलब कि हमारे जो दोनों टर्मिनल ये ओपन है। पर अभी तक हमारे ये टर्मिनल चेक नहीं हुआ है। टर्मिनल चेक कब होंगे, जब मैं इसको दबाऊंगा। तो जैसे मैं इसको दबाता हूँ तो हमारा मल्टीमीटर साउंड करने लग गया। इसका मतलब सिंपल सा यही है कि जब तक हमारी नॉर्मल कंडीशन होती है, नॉर्मल कंडीशन का मतलब अभी तक हमने इसको ऑन नहीं करा है, तो हमारे जब तक नॉर्मल कंडीशन होती है तब तक ये दोनों जो है आपस में ओपन है, मतलब इधर की सप्लाई इधर नहीं जा रही। पर जैसे मैं इसको ऑन कर दूंगा, चाहे मैं इसको अभी टेस्टर से करूं या फिर मैं इसको इलेक्ट्रिकल की सप्लाई देके करता हूं, तो जैसे ही मैं इसको ऑन कर दूंगा तो ऑन करते ही हमारा जो सप्लाई है वो सप्लाई एक तरफ से दूसरी जगह जाने लगे। और इससे हमको यह पता चल जाता है कि हमारा जो ये वाला पावर का टर्मिनल है ये सही है। इसी तरीके से हम अगला भी टर्मिनल को चेक कर लेंगे, दोनों में हमारी लीड लगेंगे और हमारा मल्टीमीटर में से कोई भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो अभी हमारे कोई भी आवाज़ नहीं आ रही, तो मतलब हमारा ये ओपन है, बिल्कुल सही है। अब हम आगे चेक करते हैं, इसको हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारा इस मल्टीमीटर में से आवाज़ आनी चाहिए। तो जैसे मैंने इसको ऑन किया और हमारा मल्टीमीटर साउंड करने लग गया, मतलब कि हमारा ये भी टर्मिनल जो है ये बिल्कुल सही है। और दोस्तों आपको बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमारा जो तीसरा टर्मिनल है इस तीसरे टर्मिनल को भी चेक कर लेना है। और अगर आप इसको चेक कर लेंगे तो हमारा जो कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर के जो पावर टर्मिनल है ये पावर टर्मिनल पूरी तरीके से चेक हो जाएंगे। अब दोस्तों पावर टर्मिनल को चेक करने के बाद में कॉन्टैक्टर के अंदर एक आखिरी चीज बच जाती है, वो है कंट्रोल के टर्मिनल को चेक करना। दोस्तों ये कंट्रोल के टर्मिनल होते हैं इसके अंदर हमारे दो पॉइंट हो जाते हैं, तो ये क्या थोड़ा लंबा हो जाता है। इसके अंदर हमको क्या चेक करना पड़ता है, एक तो एनो कॉन्टैक्ट को चेक करना पड़ता है, इसके अलावा एक NC कॉन्टैक्ट को चेक करना पड़ता है। तो दोस्तों यह वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबा हो गया है, मैं एक नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको दो पॉइंट बताऊंगा, वो दोनों पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, तो हमारा एक ये चेक करेंगे कि हमारे जो कंट्रोल के टर्मिनल होते हैं कॉन्टैक्टर के, उसको हम किस तरीके से चेक करेंगे। इसके अलावा दूसरी चीज हम क्या जानेंगे, हमारे जो कॉन्टैक्टर को चेक करते हैं तो हमको उस समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जब हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कॉन्टैक्टर को चेक करने जाते हैं उस समय दोस्तों हमारे सामने कई टाइप की प्रॉब्लम आ जाती है, और हम एक बार कॉन्टैक्टर को चेक करते हैं और हमको लगता है कि कॉन्टैक्टर खराब है और हम उसको ले आते हैं, फिर बाद में वापस चेक करते हैं तो हमको कॉन्टैक्टर सही दिखता है। तो इस तरीके से हमको कॉन्टैक्टर को चेक करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है इसके ऊपर, और हमारे कंट्रोल के टर्मिनल को चेक करेंगे इसके ऊपर, हम इन दोनों के ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कॉन्टैक्टर की कॉइल और उसके पावर टर्मिनल को कैसे चेक किया जाता है ये पता चल गया होगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल जुड़े तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।